सेवर अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अणुसंख्या गुणधर्म। तो बच्चों अब हम कर रहे हैं अणुसंख्या गुणधर्म के आंकिक पोर्शन यानी कि न्यूमेरिकल पोर्शन। तो बच्चों हम तीन अणुसंख्या गुणधर्म के पहले ही आंकिक पोर्शन कर चुके हैं। जैसे सबसे पहले किए थे बच्चों हमने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के, उसके बाद बच्चों हमने किए थे क्वथनांक में उन्नयन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर किया था बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक में अवनमन। तो बच्चों आज का जो हमारा फोर्थ जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों वो है कौन सा बच्चों, परासरण दाब। तो बच्चों परासरण दाब किसे कहते हैं आप जानते होंगे कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। तो बच्चों परासरण का जो फॉर्मूला था वो बच्चों ये था पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी, ध्यान रखें बच्चों या तो ये फॉर्मूला होता है या पाई इज इक्वल टू, मैं चेंज कर देता हूँ बच्चों डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी एस टी कह सकते हैं बच्चों, या बच्चों आपका थर्ड फॉर्मूला जो यहाँ से बन सकता है वो हो सकता है पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी एस टी, और एन अपॉन वी को बच्चों हम क्या बोल सकते हैं कंसंट्रेशन यानी कि सी एस टी, क्या बोल सकते हैं बच्चों सी एस टी। तो आप देखें बच्चों आपके पास तीन फॉर्मूले यहाँ से हैं सामने से जहाँ से आप परासरण दाब के न्यूमेरिकल करेंगे। कब कौन सी कंडीशन में किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे वो आप खुद समझ जाएंगे बच्चों। पाई यहाँ पर डिनोट करता है बच्चों परासरण दाब को, किसको डिनोट करता है परासरण दाब को। बच्चों इसके न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है लेकिन कई बार बच्चों जल्दी में प्रॉब्लम कर देते हैं। तो बच्चों वीडियो को स्किप ना करें, जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ ये सबसे पहले सुने, अदरवाइज आपका आंकिक प्रश्न कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। बच्चों पाई होता है परासरण दाब और ये होना चाहिए बच्चों वायुमंडल में, किस में होना चाहिए वायुमंडल में, या बार आप कह सकते हैं लगभग, पार का लगभग वही यूनिट होता है, एक वायुमंडल बराबर 1.02 पार होता है। तो परासरण दाब बच्चों जो आएगा वो वायुमंडल में काउंट होना चाहिए, किस में होना चाहिए वायुमंडल में। मैं बच्चों आपको ये भी बताता चलूं कि एक वायुमंडलीय दाब जो होता है, एक वायुमंडलीय दाब बच्चों जो होता है वो 760 मिलीमीटर दाब के बराबर होता है, किसके 760 मिलीमीटर मरकरी के दाब के बराबर होता है। ये भी बच्चों ध्यान रखें, अदरवाइज आपके आंकिक प्रश्न गलत होने के पूरे चांस रहेंगे। वी बच्चों जो यहाँ पर है वो है बच्चों आपका आयतन, क्या है बच्चों आयतन, और आयतन बच्चों इस क्वेश्चन में हमेशा लीटर में होना चाहिए। जब तक हमने बच्चों मोलरता मोललता या बाकी सब क्वेश्चन किए थे तो आयतन हम मिलीलीटर में ले लेते थे, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आपने मिलीलीटर में आयतन लिया तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा बच्चों। स्मॉल एन बच्चों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, एन क्या था बच्चों मोलों की संख्या, क्या है बच्चों मोलों की संख्या, इसे एन बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे बच्चों एन बी से मतलब विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। डब्ल्यू बी बच्चों आप अच्छी तरह से जानते हैं विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा है, किसकी ग्राम मात्रा बच्चों विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा चलेगी बच्चों। ये तो एम बी बच्चों क्या है अणुभार है विलेय पदार्थ का ही है बच्चों, ठीक है। एक वर्ड बच्चों यहीं पर और नोट कर लें, जो टी है बच्चों ये ताप है या तापमान है, लेकिन बच्चों ये किस में होना चाहिए केल्विन में होना चाहिए, किस में होना चाहिए केल्विन में। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करने पड़ते हैं, कितने ऐड करने पड़ते हैं बच्चों केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना होता है बच्चों। एक्चुअल में मैंने बताया था 273.15 होता है, और बच्चों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं S उसको विलयन स्थिरांक बोलते हैं। तो बच्चों जनरली उसकी वैल्यू जो हम लेट करेंगे वो करेंगे 0.0821 लीटर वायुमंडलीय प्रति डिग्री, ठीक है बच्चों, और प्रति मोल या प्रति केल्विन प्रति मोल, लीटर वायुमंडल मोल इनवर्स या केल्विन इनवर्स। तो बच्चों क्वेश्चन में सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है वो ध्यान देना है कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। बच्चों यहाँ पर सी अगर आप देखें तो सी को बोलेंगे मोलर सांद्रण, क्या बोलेंगे बच्चों मोलर सांद्रण या मोलरता भी कह सकते हैं, क्योंकि सी कहाँ से आया एन अपॉन वी से, एन क्या था बच्चों मोलों की संख्या, वी क्या था आयतन, मतलब जनरली ये क्या है मोलरता है, इसकी सांद्रता अगर हो सकती है,
ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम कम यूज करते हैं, ये फॉर्मूला जनरली हम यही यूज करते हैं, इसलिए बच्चों हमारे चांस ज़्यादा गलत होने के रहते हैं जब कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों इसी के क्वेश्चन की। पहली क्वेश्चन है बच्चों आपका, तो बच्चों आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। तो बच्चों क्वेश्चन मान लीजिए पहला है आपका कि 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसी मोलर यूलिया विलयन का परार्षण दाब ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक वर्ड आया बच्चों डेसी मोलर यूरिया विलयन का परार्षण दाब ज्ञात कीजिए। ये बच्चों मैं आपको पहले ही बताता चलूं कि जो हम आंकिक प्रश्न करने वाले हैं वो सभी प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन होंगे और इसमें हम लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस क्या है बच्चों? डेसीमोलर। तो डेसीमोलर बच्चों क्या हो जाएगा आपका कि 27 डिग्री सेल्सियस, अब डेसीमोलर का मतलब समझ लें यहाँ से, और बच्चों क्या था? यूरिया, अगर आपको अणुभार वगैरह निकालने की जरूरत पड़े तो। और बच्चों डेसीमोलर क्या होता है? डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10 मोल प्रति लीटर, या डेसीमोलर बच्चों क्या है? सांद्रण है। कौन सा सांद्रण है? मोलर सांद्रण है, वर्ड में आ गया बच्चों। और डेसी का मतलब क्या है आपका? 1/10। क्या है बच्चों? 1/10। अब देखें बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चों? 27+273 मीन्स बच्चों कितना हो गया? 300 केल्विन। कितना हो गया? 300 केल्विन। एस की वैल्यू बच्चों गिवन होती है 0.0821, ये आप लर्न रखें बच्चों बार बार। चलिए बच्चों क्वेश्चन का बच्चों जो फॉर्मूला है, जनरली बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू कर देते हैं या ये कर देते हैं। तो ध्यान रखें बच्चों जब मोलर सांद्रण दिया होगा तो हम पाई इज इक्वल टू सी एस टी पुट करेंगे और यहीं से हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखें बच्चों पाई कितना हो गया? सी एस टी। तो बच्चों सी कितना दिया हुआ? मोलर सांद्रण दिया हुआ 1/10। कितना दिया हुआ बच्चों? 1/10। और एस कितना बच्चों? 0.0821। और टेम्परेचर बच्चों कितना दिया हुआ? 300। कितना दिया हुआ? 300। तीनों चीज़ें की भी नहीं बच्चों, आपकी चॉइस बच्चों, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। या तो बच्चों आपको पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो पॉइंट रिमूव करके यहाँ कितनी जीरो लगा लीजिए? 4। कितनी लगा लीजिए? 4। एक ये कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आसानी से, तो कितना हो जाएगा? 3 × 3, 3 × 2 = 6 और 3 × 8 = 24। डिवाइड में क्या बच्चों? 1000। क्या है? 1000। तो कितने अंक पहले पॉइंट आ जाएगा बच्चों? 3 अंक पहले, तो आया आ जाएगा 2.463। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, लेकिन हमने आपने देखा होगा बच्चों हर वीडियो में पहला क्वेश्चन जो है बच्चों हम वो लेके चल रहे हैं जिसका फॉर्मूला कम यूज होता है। तो बच्चों 2.463 आ गया, तो बच्चों क्या हो गया? मिलीमीटर होगा, दाब बच्चों पास्कल में आएगा, बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं। तो ध्यान रखें बच्चों मैंने बताया था कितना हो जाएगा? 2.463 वायुमंडलीय। क्या हो जाएगा बच्चों? वायुमंडलीय, या कई बार आपको ATM लिखा मिलता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान है, ध्यान रखें। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपको एक वर्ड मिल रहा बच्चों, डेसीमोलर। कौन सा है? डेसीमोलर बच्चों, ठीक है। सेमी का मतलब 1/2 होता है, सेंटी का मतलब बच्चों 1/100 होता है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, आपके सामने है बच्चों कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया। देखिए बच्चों टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, यहाँ से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ऊपर देख पा रहे हैं आप 0 डिग्री सेल्सियस, कितना? 0। तो 0 में 273 ऐड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 273 केल्विन, 273 केल्विन। उसके बाद बच्चों डब्ल्यू बी दिया हुआ है, ग्राम में मात्रा दी हुई है, ग्राम में मात्रा केवल एक ही थी बच्चों, कौन सी? विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। कितनी गिवन है? 0.45 ग्राम। कितना बच्चों? 0.45 ग्राम। चलिए साथ साथ में अणुभार निकाल लेते हैं बच्चों। तो वर्ड क्या था? ग्लूकोज, फॉर्मूला होता है C6H12O6। मॉलिक्यूलर मास जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 180। कितना हो जाएगा? 180, वो आप जानते होंगे। कार्बन का बच्चों कितना होता है? 12। H का 1 और O का कितना होता है? 16। तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा? 180, ठीक है बच्चों। और क्या दिया हुआ बच्चों? V दिया हुआ है, कितना? 250 ml। क्या दिया हुआ बच्चों? 250 ml। और निकालना क्या है बच्चों आपको? प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? प्रेशर निकालना है, कौन सा?
ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब प्रसरण दाब। तो जो क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि जितनी भी डिजिट आपको दी हुई हैं सभी लिख लीजिए, उसके बाद उनसे संबंधित जो भी फॉर्मूला बने। तो बच्चों अब आप कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे कि सी एस टी वाला फॉर्मूला लगेगा, एन अपॉन वी वाला लगेगा या एन बी एस टी वाला लगेगा। तो क्या दे दिया बच्चों, ग्राम में मात्रा दे दी, तो कौन सा लगेगा, ग्राम में मात्रा वाला फॉर्मूला लगेगा। मतलब बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, पाई वी इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू एस और टी। तो बच्चों यहाँ से जो आप गलती कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, बच्चों V कितना था 250 ml, और जल्दबाजी में बच्चे यहाँ पर कितना रख देते हैं, 250 रख देते हैं। कितना रख देते हैं बच्चों, 250। तो मैंने आपको बच्चों हिंट दिया था कि आयतन किस में होना चाहिए बच्चों, आयतन किस में होना चाहिए बच्चों, लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, लीटर में। तो इसे लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए पहले, 250 डिवाइड बाई 1000। तो एक जीरो से बच्चों एक जीरो कैंसिल, 2500 का 100 कितना आ गया, 1/4 लीटर, चाहे 0.25 लिख लीजिए, चॉइस आपकी है। तो बच्चों कितना हो गया, पाई इंटू वी कितना हो गया, 1/4। अगर आप 250 लिखते हैं तो बच्चों क्वेश्चन 110% गलत। तो यहाँ पर यूनिट आपको ध्यान रखनी है बच्चों, डब्ल्यू बी कितना है ग्राम में मात्रा, 0.45 ग्राम। अणुभार बच्चों कितना है, 180, ये कितना बच्चों, 0.0821। और टी कितना बच्चों आपका, 273, कितना है, 273। और बच्चों या तो कैलकुलेशन कीजिए, या बच्चों हमेशा एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, आपको याद होगा एसटीपी पर एक मोल गैस का आयतन कितना होता है, एक मोल गैस भर का आयतन बच्चों कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। याद रखें बच्चों एसटीपी या एनटीपी पर। तो बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 273 और 0.0821 का 22.4 आएगा, चाहे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बच्चों मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, डायरेक्ट पुट करूंगा, आप भी याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर टेम्परेचर 0 या 27 आता है। तो बच्चों 0.45 डिवाइड बाई कितना हो गया, 180, और मैंने बच्चों मल्टीप्लाई कर दी कितने से, 22.4 से। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से पॉइंट रिमूव करने के लिए दो जीरो हो गए बच्चों, चलिए 4 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, 4 × 16 बच्चों, तरीका गलत है वैसे, ये ऊपर जाएगा तब कैंसिल होगा, लेकिन बच्चों मैं यहीं पर कर रहा हूँ, 4 × 16 बच्चों कितना, 2 × 4 = 20, तो ये आ गया बच्चों 4500, कितना आ गया 4500। तो बच्चों आपका जो क्वेश्चन आ गया वो आ गया पाई इज इक्वल टू 4500/4500, ठीक है बच्चों, और गुणा 22.4, कितना 22.4, 45 से ये कट जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 100, और 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 0.2 अंक, और ठीक है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चला जाएगा। तो पाई की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, तो बच्चों आप देख रहे होंगे पाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो पाई की जो वैल्यू है बच्चों वो आ गई आपकी 0.224 ATM। नहीं दिखाई दे रहा था बच्चों, यहाँ पर बता देता हूँ, 0.224 ATM वायुमंडलीय दाब। कैलकुलेशन बच्चों इसकी बहुत इजी होती है, बस कैलकुलेशन में जो प्रॉब्लम आती है वो आती है बच्चों वाष्प दाब वाले क्वेश्चनों में जनरली। तो आइए बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, दो चीज़ें यहाँ से आपको समझनी थी, पहला फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डब्ल्यू बी ने क्लियर कर दिया था, दूसरा जल्दबाजी में वी की वैल्यू एम एल में ही पुट ना कर दें, किस में होनी चाहिए बच्चों, लीटर में होनी चाहिए, और तीसरी यहाँ से वैल्यू याद रखेंगे कि जब टेम्परेचर जीरो हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 22.4 आएगा, तो आपका जो टाइम है बच्चों कैलकुलेशन का वो बच जाएगा। तो बच्चों मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता जाऊंगा, तो आप लोग जहां भी प्रॉब्लम हो बता दिए जाएं बच्चों, क्योंकि एक टाइप का मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, आप दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं अब, तो आप इन्हें अंडरस्टैंड, चलिए इन्हें छोड़ देता हूं अभी आपके लिए। तो बच्चों एक और क्वेश्चन लिख लीजिए कि किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V, स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, W/V विलयन 7 वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करता है। तो बच्चों क्वेश्चन से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, तो क्वेश्चन ने पूछा है बच्चों आप लोगों से टेम्परेचर, क्या पूछा है, टेम्परेचर पूछा है जी, ठीक है। गिविन क्या है बच्चों, तो गिविन है 5% W/V, 5% W/V, वो भी किसका विलयन बच्चों, ग्लूकोज का विलयन। अब W/V से समझ जाए बच्चों, वेट बाई वॉल्यूम, मतलब 100 ml में कितने ग्राम है, 5। तो बच्चों 5% W/V का अर्थ है
क्या अर्थ है जी, कि 100 ml विलियन में, कितने ml में, 100 ml विलियन में 5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, कितना 5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। बस आपको यही समझना है बच्चों, बाकी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हैं। बीच में कोई ट्रिक आएगी तो मैं आपको बता दूंगा बच्चों, तो वीडियो स्किप ना करें, देखते रहें बच्चों कंटिन्यू, कोई भी स्टेप मिस किया तो आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें मिल गई बच्चों, क्या डब्ल्यू बी मिल गया बच्चों, कितने ग्राम, 5 ग्राम, कितना बच्चों 5 ग्राम। अणुभार मैं निकाल लेता हूँ, एम बी क्या है बच्चों, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का थोड़ी देर पहले किया था, कितना आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा बच्चों 180। और नेक्स्ट देखें बच्चों आपको क्या गिवन है, 100 ml मतलब V, तो V कितना बच्चों 100 ml, तो मैंने पहले ही बताया था बच्चों ml में नहीं चलेगा, मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 100 डिवाइड बाई 1000, तो 20 से 20 कैंसिल, 1/10 लीटर, कितना 1/10 लीटर। पाई दिया हुआ बच्चों कितना 7 एटमोस्फेरिक, और ऐसा आप जानते हैं कितना होता है 0.0821, ठीक है बच्चों। तो पूछा क्या था, टेम्परेचर पूछा है बच्चों, तो फॉर्मूला किसका लगेगा, जब पाई दे दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया, तो फॉर्मूला किसका लगेगा बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर का ही लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई वी इज इक्वल टू बच्चों कौन सा लगेगा तीनों में से, तो डब्ल्यू बी वाला लगेगा, कौन सा डब्ल्यू बी वाला, तो डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी और एस टी। पाई कितना बच्चों 7, वी कितना है 1/10, डब्ल्यू बी कितना बच्चों 5, मोलिकुलर मास कितना, अणुभार बच्चों 180, एस कितना 0.0821, और गुणा टी, टी आपको निकालना है बच्चों, तो जीरो से बच्चों यहाँ पर जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और ये 18 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो बच्चों टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 × 18 डिवाइड बाई 5 × 0.0821, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपको कैलकुलेशन करनी है पॉइंट हटाने के लिए, चलिए 0.082 ले लें बच्चों, फायदा रहेगा 0.0821 या 0.082 ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर कितनी जीरो आ जाएंगे बच्चों 3, पॉइंट हट गया बच्चों। पॉइंट हटने के बाद 5 से काट दीजिए, 5 दूने 10 कितना आ गया बच्चों 200, 2 से काट दीजिए 41 और ये कितना आ गया 100। तो बच्चों कैलकुलेशन कितनी आ गई, टी इक्वल टू आपका आ गया 7 × 18 × 100 और डिवाइड बाई बच्चों आपका कितना आ गया 41, कितना आ गया बच्चों डिवाइड बाई आपका 41। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा लगभग 306, कितना बच्चों 300, अच्छा यहाँ से बच्चों आपको स्किप हो गया दिखना, चलिए तो बच्चों कैलकुलेशन आ जाएगी 306, कितनी आ जाएगी बच्चों आपकी लगभग 306 या 307 भी आ सकती है बच्चों किसी की, तो 306.94 और टेम्परेचर किस में आएगा केल्विन में। अगर आपने जल्दबाजी में ये क्वेश्चन के आगे सेल्सियस लिख दिया तो बच्चों आंसर 100% गलत माना जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है कि जो यूनिट होती है उन्हीं का खेल है, तो यूनिट को आप अच्छे से समझें। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो बच्चों अब तक हमारी चारों वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रीवियस वीडियो में आ चुके हैं, तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आ रहे हैं तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, और अब तो बच्चों ये समझ गए होंगे डेटा सारा, चलिए मैं रफ कर देता हूँ। तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों को वीडियो की ज़रूरत है उन सभी तक बच्चों ये वीडियो पहुँच जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन कर लेता हूँ बच्चों मैं, जनरली पूछा जाता है बच्चों, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 6% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो 6% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, बाकी सब चीज़ें बच्चों वही होती हैं सेम, क्वेश्चन में बच्चों टाइप नहीं करूँगा, तो आप स्क्रीन पर यहीं से देख लें 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया विलयन का परासरण दाब। तो बच्चों 6% का मतलब कितना हो गया कि 100 ml में, W अपॉन V यहाँ हो सकता है बच्चों, 100 ml में कितने ग्राम है बच्चों 6 ग्राम यूरिया है, कितना 6 ग्राम, और यूरिया देखें बच्चों तो डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों जल्दी, WB कितना हो गया यहाँ से 6 ग्राम हो गया बच्चों, MB निकालेंगे अणुभार यूरिया का तो कितना आ जाता 60, क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों NH2CONH2, क्लियर बच्चों। टेम्परेचर देखें
टेम्परेचर कितना पहुंच जाएगा बच्चों, 27 + 273 मतलब 300 केल्विन, कितना हो गया बच्चों आपका 300 केल्विन। ठीक है, वी कितना था बच्चों आपका 100 ml, कितना था 100 ml, ml में नहीं चाहिए, किस में लेना होगा लीटर में, तो डिवाइड किससे करेंगे 1000 से, मतलब 1/10 liter। ठीक है बच्चों, और यहाँ से s की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 0.0821। तो बच्चों क्वेश्चन हो जाएगा पाई वी इजिकल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू एस टी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, पाई निकालना है, वी कितना हो गया 1/10, ग्राम में मात्रा कितनी 6, अणुभार कितना बच्चों 60, 0.0821। ठीक है बच्चों, और 27 डिग्री सेल्सियस है तो कितना हो गया 300। यह जीरो पे पूछ लेते हैं बच्चों कई बार, तो 6 से कट गया बच्चों, कितना आ गया 10, और 10 से 10 कैंसिल, उन दोनों की बच्चों मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1, 2, 2 जीरो, तो बच्चों ऐसे ही, ठीक है 2 जीरो बच्चों ऐसे ही होगी, मल्टीप्लाई किसकी करेंगे 3 की, 3 एकम 3, 3 2 6 और 3 8 24। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट कितने पहले आएगा 4, कितने आएगा 1, 2, 3, 4, तो कितना आ गया बच्चों 24.63 या 24.63 atm, मतलब वायुमंडलीय दाब। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया होगा, इजी था बच्चों, लेकिन कराया इसलिए कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, एनसीईआरटी का है, एक प्रोटीन के, चलिए बच्चों पहले मैं रफ कर देता हूँ, आज बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा बिल्कुल डिफरेंट, जो समपरासरी विलयन से संबंधित होगा, अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो आप समझ जाइए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है खुद ही, आप किसी भी नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है बच्चों कि एक प्रोटीन के 200 cm³ या घन सेंटीमीटर बच्चों, तो क्वेश्चन आपके सामने बच्चों ऊपर है, 200 cm³ विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, कितना 1.26 ग्राम क्या है प्रोटीन है बच्चों, और 300 केल्विन पर, किस पर बच्चों 300 केल्विन पर इसका परासरण दाब बच्चों 2.57 है, कितना है 2.57 × 10⁻³ बार पाया गया। ठीक है बेटा, तो आपको बताना है कि प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है, बस बच्चों कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ जाएगी देखें, तो आपको वी दे दिया बच्चों, कितना दे दिया 200 cm³, कितना दे दिया बच्चों 200 cm³, और 200 cm³ का मतलब यहाँ से मतलब क्या होता है घन सेंटीमीटर का, तो मतलब होता है बच्चों इसका मिलीलीटर से, किससे होता है मिलीलीटर से, मतलब 200 डिवाइड बाई 1000, तो कितना आ गया बच्चों आपका 0.2 या 2/10। डब्ल्यू बी दे दिया बच्चों आपको, कितना था 1.26 ग्राम, टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन, और पाई दे दिया बच्चों आपको ये, चलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करता हूँ बच्चों तेज़ी से, क्वेश्चन है बच्चों पाई वी इजिकल टू फॉर्मूला क्या लग जाएगा, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू एस टी। ठीक है बच्चों, तो मैं बता देता हूँ बच्चों पाई फाइंड आउट, अच्छा पाई तो गिवन है बच्चों 2.57 × 10⁻³, V बच्चों कितना था 2/10 लिख लीजिए, चलो आसानी हो जाएगी, और डब्ल्यू बी बच्चों कितने ग्राम है 1.26 ग्राम, क्या निकालना है एम बी, एस कितना है 0.0821, और T कितना बच्चों 300, कितना है 300। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपको जो कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करने के बाद बच्चों मुझे आपको आंसर बताना है, और मैं इसका आप बच्चों आपको आंसर का हिंट दे रहा हूँ, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो इसका आंसर आएगा लगभग 61,000, कितना आएगा 61,000। तो आप लोगों को बच्चों कमेंट में मुझे एक्यूरेट आंसर बताना है, कितना बताना है बच्चों एक्यूरेट, तो मैंने आपको हिंट दे दिया कि आंसर किसके आसपास आएगा बच्चों 61,000 के आसपास आएगा, तो आप लोगों को बच्चों कमेंट में क्या करना है कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है बच्चों, एक्यूरेट आंसर देना है बच्चों, अगर आप कमेंट में आंसर देंगे तो मैं आपको आंसर आपका बता दूंगा कि आंसर सही है बच्चों या गलत है। एक क्वेश्चन बच्चों कई बार आप लोगों को एक वर्ड और प्रॉब्लम कर सकता है, उसे और देख लेते हैं बच्चों,
लास्ट है बच्चों ये, यहाँ तक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वैसे अच्छी हो गई होगी, तो आई होप बच्चों आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन है कि एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है, विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का अणुभार बच्चों 342 है। ये बच्चों लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था एग्जाम में। देखें अब बच्चों वर्डिंग करते हैं। पहला वर्ड था बच्चों 45 ग्राम प्रति लीटर। डेटा एनालिसिस कीजिए क्या क्या गिवन है। तो यहाँ से आपको V मिल गया बच्चों कितना, एक लीटर। कितना मिल गया, एक लीटर। इसी में छुपा हुआ है बच्चों, यही इस क्वेश्चन का हिंट था। V कितना है, 1 लीटर। W B बच्चों यहाँ से कितना मिल गया, 45 ग्राम। MB बच्चों उसने लास्ट में बताया कितना है, 342, मतलब शुगर की बात कर रहा है जनरली, ठीक है। टेम्परेचर बच्चों कितना दे दिया, 20 डिग्री सेल्सियस। कितना दे दिया बच्चों, 20 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए तो कितना आ गया, 293 केल्विन। कितना आ गया बच्चों आपका, 293 केल्विन, ठीक है बच्चों। और यहाँ से आपको पाई भी गिवन है, कितना गिवन है बच्चों, 3.2 ATM। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों एक बार। तो वैल्यू पुट करने पे क्या हो जाएगा, पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू एस टी। चलिए बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं। पाई कितना दिया हुआ, 3.2। वी कितना दिया हुआ, 1। देखें बच्चों देखते रहे यहाँ से, 3.2 और 1। क्वेश्चन बच्चों मैंने अब तरीका बदल दिया, मैं रफली करता चल रहा हूँ, आप लोगों को फुल्ली कॉन्सेप्ट में करने हैं। बच्चों कितने ग्राम है, 45 ग्राम। अणुभार बच्चों कितना, 342। 0.082 एस की वैल्यू तो बच्चों आपको फाइंड आउट करनी है इसमें। और टेम्परेचर कितना आपका, 293। कितना है बच्चों, 293। तो देखें बच्चों एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 312, ठीक है बच्चों। फिर कर लेते हैं 3 5 15, 3 3 9, 2 बचेंगे और 3 8 24, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं क्या क्या हो गया आपका। यह हो जाएगा आपका 3.2 इंटू 38 और डिवाइड बाई बच्चों कितना आ जाएगा, 5 इंटू 293 इज इक्वल टू बच्चों आपका कितना आ गया, ऐसा आ गया। कितना आ गया, ऐसा आ गया बच्चों, ठीक है। और यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा बच्चों जनरली कितना आएगा, 0.0821 या 0.082 जनरली बच्चों आपका आंसर यही आता है। चलिए आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है तो आंसर आएगा बच्चों इसका 0.083। और इसकी आपको यूनिट मुझे कमेंट में बतानी है बच्चों। क्या बतानी है, यूनिट कमेंट में बतानी है। तो बच्चों आई होप कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं तो अब तक बच्चों हम 4 वीडियो के क्वेश्चन कर चुके हैं। चारों ही क्वेश्चन के जो फॉर्मूले थे बच्चों एक बार रिपीट कर देता हूँ। अभी बच्चों ये मत समझिए कि आपके क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे, ये सभी क्वेश्चन और सारे फॉर्मूले बच्चों चेंज हो जाएंगे। कब, जब हम बच्चों एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वॉन्ट ऑफ गुणांक। तो पहला था बच्चों हमारा पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट इजिकल टू एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। और जब हम तनु विलयन के लिए लेते थे तो अप्रोक्सीमेट में करते थे बच्चों इसको कितना, एन बी डिवाइड बाई एन ए। यहाँ से हमने अणुओं के इनके ग्राम में मात्रा वाले फॉर्मूले किए थे। पहला फॉर्मूला बच्चों ये था। दूसरा फॉर्मूला था डेल्टा टी बी इजिकल टू बच्चों के बी इंटू स्मॉल डब्लू डिवाइड बाई एम बी इंटू बच्चों वी इंटू 1000। तो बच्चों स्मॉल डब्लू का मतलब मेरा इसी से होता है, कैपिटल डब्लू बी से। थर्ड क्वेश्चन जो था बच्चों आपका वो हिमांक में अवनमन से संबंधित था, वो था फॉर्मूला के एफ इंटू स्मॉल डब्लू बी इंटू एम बी इंटू वी इंटू 1000। और जो फोर्थ बच्चों आज हमने किया है वो किया परासरण दाब से, पाई वी इजिकल टू एन एस टी। 3 फॉर्मूले थे वैसे तो। तो बच्चों ये जो फॉर्मूले हैं, जैसे ही हम बच्चों अणुसंख्या गुणधर्म का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वैसे इन चारों फॉर्मूले का रूप बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा बच्चों, आप ध्यान दीजिए कि इन चारों का नाम क्या था। तो बच्चों इन चारों का नाम था अणुसंख्या गुणधर्म। क्या नाम था बच्चों इनका, अणुसंख्या गुणधर्म, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब ये बच्चों चारों गुण ऐसे थे जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते थे। किस पर,
अणुओं की संख्या पर। तो जनरली बच्चों आपने शायद ध्यान नहीं दिया, ज़्यादातर बच्चों हमने सभी क्वेश्चन में क्या बोला था, ग्लूकोज, साथ में क्या बोला था बच्चों, यूरिया, या क्वेश्चन में घोलने का जिक्र किया गया बच्चों सुक्रोज का, तो ऐसे ही कुछ घोले गए हैं, ठीक है। तो अणुसंख्या गुणधर्म का मतलब क्या था बच्चों, अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं। लेकिन बच्चों अभी तक हमने NaCl नहीं घोला, क्या नहीं घोला, NaCl, KCl नहीं घोला, K2SO4 नहीं घोला। तो बच्चों जब हम इन्हें घोलेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, तो प्रॉब्लम बच्चों ये आएगी कि NaCl, बच्चों जब आप NaCl को घोलोगे तो ये जनरली किस में ब्रेक हो जाएगा, Na1 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव में। तो बच्चों आपने कितना अणु घोला, एक, और कितने पॉसिबल हो गए, दो। अगर पूर्ण रूप से आयनन होगा तो कितने अणु हो जाएंगे, दो। इसका मतलब अणु संख्या गुणधर्म किस पर डिपेंड करता था, अणुओं की संख्या पर, या कणों की संख्या पर, या आयनों की संख्या पर। इसका मतलब NaCl जब आप घोलोगे तो फॉर्मूला बदल जाएगा थोड़ा सा। KCl के साथ भी बच्चों यही प्रॉब्लम आएगी, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। K2SO4 को घोलोगे बच्चों तब भी यही प्रॉब्लम आएगी, इससे तीन आयन मिलेंगे, क्या मिलेंगे बच्चों, तीन आयन मिलेंगे। तो बच्चों इन सभी से क्या होगा, क्वेश्चन आपके और थोड़े से टिपिकल हो जाएंगे। तो इसे बोलते हैं बच्चों आयनन की मात्रा, मतलब कितना पार्ट आयनों में ब्रेक होगा, ठीक है। तो जानने के लिए देखिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए इतना ही मिलता बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेरीज है, आप किसी टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर केमिस्ट्री का कोई लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उस, ठीक है बच्चों, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप बच्चों ये सभी टॉपिक देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।